मसूरी, मसूरी का ट्रिप देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी मेरे साथ कौन कौन है आपको बताता हूँ। एक ये देख रहे हो बिजनेसमैन हमारे साथ यहाँ पीछे बैठे हैं बिजनेसमैन, और ये हमारा भांजा, वैसे शक्ल तो दिखता नहीं है भांजा लेकिन है भांजा ही। ये हमारे गुड्डू भाई जी, और भाई हमारे न्यू मेंबर हमारे ग्रुप में गोलू भाई जी। सबके पास 2x पल्स और 1 पल्सर 250, और उसके साथ हमारा यहाँ पे मालिक लोग रॉयल इनफील्ड में घूमते हैं मालिक लोग रॉयल इनफील्ड में घूमते हैं 350। चलो आप लोगों को फिर आगे दिखाते हैं। ये वो दो बाइक्स हैं जो हमने रेंट किया है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये हमारा ट्रिप शुरू होते हुए हमने अपना 2x पल्स जो है वो एक फ्रीडो रेंटल एप्लीकेशन है वहाँ से हमने इसको बुक किया था। अगर आप भी चाहते हैं गाड़ी रेंट पे बुक करना तो आप ऑब्वियसली फ्रीडो रेंटल पे बुक कर सकते हैं। इसमें बस आपको कोई भी सिक्योरिटी मनी देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अमाउंट है जो भी चार्ज है पर डे का वही आपको पे करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं हमारा रूट। हम जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था वो था नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ से हम निकले हैं गाजियाबाद वाले रूट से हमारे डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है अभी हरिद्वार। आपको यहाँ पे एक पेरिफेरल हाईवे मिलेगा, इसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं हरिद्वार के लिए। ये मेरा टैगलाइन बोलते हुए सोन भैया, टिल नाउ जर्नी इज वाओ। अभी हम कहाँ पहुँचे भाई, बता नमक कहाँ पहुँचे भाई? मिर्च घाट, मिर्च घाट पहुँचते हुए, और ये आई एम गड़गंगा, आगे कलगंगा यहीं पे तीर मारा था। और बैकग्राउंड देख रहे हो कितना मस्त आ रहा है इधर आपसे, इसमें लाइट सूरज का बैकग्राउंड मस्त आ रहा है। और नया राइडर हमारे साथ, अभी राइडर एक्सपीरियंस बता दो भाई। भांजा हमारे भांजे साहब का एक्सपीरियंस बता दो, वो हमारे एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का, हमारी बाइकें दिखा दे भाई गाड़ी चलाने का। और गोलू भैया मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है, बस मजा आना चाहिए। टिल नाउ द जर्नी इज वाओ। ये हमारी गाड़ियाँ आराम करते हुए, और हम एक गन्ने का ब्रेक लेते हुए। मिलते हैं आपसे आगे राइड में। कौन चला रहा है? मिट्योर बड़े में धुलवा के लाऊं इतना जबरदस्त। ये लो भाई गुड्डू भैया, ये हमारी गुड्डू भैया की धन्नो। आप आओ ना बैठो ना, तब ना आपका लूंगा। गुड्डू भैया कंप्लेन करते हुए कि हमारे ब्लॉग में मेरे को लेता ही नहीं है तू। और भाई भांजे साहब, भाई साहब चेहरे में स्माइल देख लो गदर। और गुड भैया आज आपका ही फुटेज आएगा भाई पूरे ब्लॉग में, बता तो दो। ये इसका दिल रखने के लिए था बस, आगे जाके हम तो हम ही चलाएंगे यार, लाइसेंस नहीं है अभी बेचारे के पास इसलिए चला लेता गाड़ी। और गुड भैया, ओ भाई साहब ये रहा हमारा डॉन, मिट्टी और चलाते हुए हमारा डॉन। और गुड भैया अब तो आ रहा है आपका ब्लॉग में, चमक गया भाई, मजाक नहीं है। पॉपुलर मैं अगर पॉपुलर हो गया ना भाई तो आपको पॉपुलर बना दूंगा भाई, मजाक नहीं यार। मेरे को सोनू भैया डराते हुए बंदरों से फोन लेके भग जाएगा। चलो चलते भाई, टिल नाउ द जर्नी इज। और यहाँ हम पहले पेट्रोल ब्रेक पे तो नहीं है, गुड्डू भैया ने हमारे गुड्डू भैया ने पेट्रोल नहीं भराया था, हमने तो भरा लिया था, हमारी तो अभी चलने वाली है, अभी बहुत बहुत चली। ये हम अपना पहला, ये पहला नहीं ये तीसरा ब्रेक लेते हुए भाइयों के साथ। सेम हमारा क्या बोलते हैं खाटू श्याम जी वाला नाश्ता यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी उससे अच्छा है।
Till now the journey is wow. और ये हम हरिद्वार पहुंच गए फाइनली। कितने सारे गलत रूट पकड़ने के बाद 250 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें क्रॉस करने में लगा है 300 किलोमीटर, क्योंकि हम 50 किलोमीटर कहीं और चले गए थे। और सोन भैया, और मेरे भाई कैसा है तू? बढ़िया भाई, आप बताओ। फाइनली यार जाना था जापान, पहुंच गए। सॉरी, जाना था चीन, पहुंच गए जापान। थोड़ा जोर से बोलो, जाना था चीन, पहुंच गए जापान। यही हाल हुआ है ना, 50 किलोमीटर फालतू फूक के आए। इधर से आंशी था, ये दिल्ली रास्ता है, और हम आए वापस जो जाने वाला रास्ता है उससे। वो हमारे ऋषिकेश का रास्ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू। और अविराज कैसे चल रहा है? कैसा चल रहा है? मदद कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो गुड भैया? अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, फाइनली हरिद्वार पहुंच गए हैं। ओ भाई साहब, गुड भैया कह रहे हैं हमें आज जाना था उस वाले रास्ते से, क्योंकि वो दिल्ली वाला रास्ता है। हम आए ऋषिकेश वाले रास्ते से, 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा फूक के आया। चलिए फाइनली पहुंच गए। अब यहाँ से हम पहले हड़की पौड़ी जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा यही रहेगा देहरादून, और फिर वहाँ से मसूरी। दिस इज आवर ट्रिप। देवदास भाई साहब पूरा आंख लाल हो चुका है इनका। ओ भाई, पहला ट्रिप कैसा रहा भाई गोलू? बहुत शानदार। वो वाला कर दे, हेलो गाइस, हेलो गाइस भाई वो, हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड प्रेस, क्या था, प्रेस बेल आइकन For all the notifications. For all the notifications. चैनल का नाम तो बताया नहीं भाई, सुबी ब्लॉग। यार अपने भाई का चैनल आपको नहीं पता यार? सब्सक्राइब करना, नहीं तो पाप लिखेगा सबको। हरकी पौड़ी में आए हम, पाप बोले 10 लोगों को बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, और उनको बोलना 10 और को बोले भाई, जो नहीं करेगा पाप लिखेगा उसको। गंगा मैया कभी क्षमा नहीं करेगी उसको। फाइनली यार, आप कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं? बताएंगे अभी पूरी, अभी पूरी वीडियो बाकी है। अरे मालिक साहब बता दो, ऐसे कैसे अभी मुझे कुछ तो देना पड़ेगा आपको। कैसे बोलूं भाई, मतलब मेरे को एक चीज सुनाया है, सुनिए कि कुछ हो जाए ना, कुछ कहने को नहीं भाई। आई लव यू। दोनों भाई, हमारे तीनों भाई गए होटल ढूंढने। बाइक पार्किंग मिल जाए तो बस वहीं लगा देंगे बाइक, फिर सामान वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा वो वहीं छोड़ देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम हरिद्वार होटल में। हम सुबह करीब सुबह कितने बजे, 1 बजे आके हमने होटल बुक किया था। होटल रूम ठीक है, ठीक ठाक है हिसाब से। होटल रूम में ना गाइस, अभी हमारा एक नया प्लान बना है, ठीक है। ब्लैक में जो लोग टिकट लेते हैं, हम ब्लैक में होटल लेते हैं भाई। चलो ठीक, वो उसके बारे में आपको बताते हैं पहले। उससे पहले हमारा प्लान के बारे में बताते हैं। हमारा एक नया प्लान बन गया है यहाँ से। हम घर से सोच के आए थे हम मसूरी जाने वाले हैं, ठीक है। इनके वजह इनके कृपा से हम मसूरी का प्लान बना लिए थे। लेकिन हम सुनो तो 2 हफ्ते पहले से तो हम ये सोच रहे थे हम नीलकंठ आने वाले हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे ये माँ से इन्हें प्लान चेंज करके मसूरी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम हरिद्वार आने के बाद, ये हमारे दूसरे महा से है, इन्हें अब ऋषिकेश जाना है राफ्टिंग के लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ से हम राफ्टिंग करने जाएंगे, पहले तो अभी हरिद्वार हम जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे राफ्टिंग के लिए। चलिए फ्रेश होके फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमारे सबसे बड़े भाई आते हुए एकदम फ्रेश होके ठीक है। कुछ एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे सोनू भाई जी तो करेंगे। गोलू भाई भी रिवील कर दे यार। अरे हाँ, दो चीज बताया ना। अच्छा हाँ, पहली बात तो हमें 1 बजे रात में ब्लैक में होटल मिल गया है। जैसे कि जो मालिक है होटल का वो सुबह 9 बजे आएगा, तो यहाँ पे जो स्टाफ था उसने मतलब बिना एंट्री के, बिना हमें आईडी लिए, बिना कुछ लिए हमें 600 रुपये में 2 रूम दिया है। ठीक है, मतलब 1200 रुपये का हमें 2 रूम पड़ा है। तो हम बिना आईडी का कोई रूम मिल जाए तो क्या मजा आते हैं यार। तुम्हें पता है ना कि तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो कुछ भी। तो मतलब होटल का जो स्टाफ है वो 1200 रुपये खाने वाला है। हमें अभी 7 बजे यहाँ से निकल जाए। ये हमारे होटल से हरिद्वार का व्यू, अमेजिंग। हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क्ड है लाइन से। ये हम अब होटल से निकलते हुए सारे फौजों के साथ हमारे पीछे। सो फार सो गुड, till now the journey is wow. हमारी बाइकें लाइन से लगी पड़ी, बाइक खड़ी कर देते नहा लेते अपन लोग। तुम ये तो हमारा होटल, आपको बस एंट्री गेट है ये है। यहाँ पे आपको धर्मशाला मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 600 से 1000 तक, 1500 तक, 1700 तक जैसी होटल जैसी रूम चाहिए आपको उस हिसाब से सब कुछ मिलने वाला है। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप आके यहाँ पे कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग उस साइड है, सब कुछ आपका लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ गंगा भूमि, आपको ये पॉइंट याद होगा, कल रात हम यहीं खड़े थे उस लोकेशन, और यहाँ से घाट दिख रहा है। मेरी टीम ये रही। तो कुछ मजा नहीं है। जय भोलेनाथ। यहाँ पानी की
एकदम अलग लेवल का छपरी बनना है। चरम सुख है ये, परम आनंद है, परम आनंद। अभी हम घड़ी भी लेंगे छपरी वाला, एक खाली पड़ा हमारा हाथ। हेलो द जर्नी इज वाओ। हमारे पीछे गुडव्या को आगे बिठा दिया हमने। गुडव्या पीछे देखना, कहां तक बुक किया इसको? क्या कह रहे हो, फिर से कहना। ये कह रहा हूं तोते वाले कलर के पैंट पहन लेता हूं मैं। छपरी बनना है मतलब पूरा है। ओ भाई एपिक कॉम्बिनेशन भाई, एपिक। ये चश्मा पहन के जब घूम रहा हूं ना, सारे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर से भी तो ठीक लग रहा है और ये आंखों में क्या पहन रखा है इसने। ऑसम भाई ऑसम यार। ओ भाई गोलू भाई अलग ही शेड है भाई आपके। एक एक चीज और बताऊं, इसका चश्मा पहने उस सर पे दर्द होने लगा। अच्छा मतलब 20 और 50 में फर्क है। हाँ स्मूथ बना देंगे। नहीं वो रॉबिन पॉलिस भाई, ये 50 का भाई स्टैंडर्ड ही है ये। ये स्टैंडर्ड ही है भाई। इसमें तो दाने भी आने लग गए भाई, अभी से धूप पड़ गया तो भाई। ये 10 रुपए का वाला है ना, 20 रुपए वाला है, ये 50 वाला है भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड ही है। अगली बार जब कहीं भी जाएंगे ना तो पूरी तैयारी घर से करके चलेंगे बस। हेलो गाइस, आपको आज हम एक अपने ग्रुप के सबसे मोस्ट वांटेड छपरी से मिलाते हैं। ओ भाई ये देखो हमारे गोल भाई, हमारे ग्रुप का सबसे मोस्ट वांटेड छपरी भाई, क्रेज है इस बंदे का, क्रेज है भाई हमारे ग्रुप में। गूगल मैन, गूगल मैन, गूगल मैन। कुछ कहना चाहते हो आप? ये इसने मैं कहना चाहता हूँ ना, मैं कहना चाहता हूँ, इसने क्या करा ना, इसने क्या करा ना, रास्ते में चलते हुए बच्चों के चश्मे छीन लिए। ये पता है ये क्या, ये किस चीज का प्लानिंग है? ये राफ्टिंग का मतलब वो है, खौफ है कि जितने चश्मे गिर जाए इनके पास बैकअप रहेगा सारे चश्मे का, इसलिए इन्होंने इतने चश्मे लिए हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तो, ये पता है ये इन्होंने स्टॉक क्यों लिया हुआ है? राफ्टिंग के टाइम पे चश्मा एक भी मिस ना हो, जहाँ एक गिरेगा दूसरा निकाल के लगा लेंगे तुरंत है। ये स्ट्रेटेजी आपका ये तो सही बात है, लेकिन इसने क्या करा, बच्चों चश्मे गायब कर दिए भाई। बच्चों वाले चश्मे गायब हो गए पूरे मार्केट से। बच्चे उसको देख के कह रहे मम्मा मैं चश्मा पहन लिया। हेलो भाई टेलो द जर्नी इज वाओ। तो मिलते हैं आप सबसे हरिद्वार ऋषिकेश ब्लॉग पार्ट 2 में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लास्टली डू चेक आउट आवर पार्ट 2 ब्लॉग, इट्स ऑसम।